फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए जो यहां पर रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उन लोगों के लिए एप्लीकेशन एडिट विंडो को दोबारा से ओपन किया जा रहा है, तो 20 जुलाई को आपकी ये विंडो ओपन होगी फ्रेंड्स, और काउंसलिंग डेट भी आ गई है। जैसे ही देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मैंने 3 तारीख को आपको वीडियो दिया था कि आपका स्कोर कार्ड कब आएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था 10 से 15 दिन लग सकते हैं, तो 10 दिन के अंदर अंदर आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। बिकॉज़ यहाँ पर आपकी जो काउंसलिंग है वो 23 से स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो 3 से लेकर के आप 23 ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपसे बताया वैसे ही आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो, ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। तो अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको करना क्या है, अप्लाई हियर फॉर CPSP पर चलेंगे, तो नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा। इसको डेस्कटॉप में ही आप रखिएगा, तो डेस्कटॉप में आपके लिए ज़्यादा इजी रहने वाला है। जैसे ही देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लॉगिन फॉर रजिस्टर यूज़र को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर अभी कोई भी ऐसा आप लॉगिन करके आईडी नहीं देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है वो अभी आपको डेट में शो कर देती हूँ। तो एप्लीकेशन फॉर्म एडिट विंडो ओपन होगी आपकी, ठीक है, आपके जो रिजेक्टेड कैंडिडेट है तो वो यहाँ पर 20 जुलाई को ओपन किया जाएगा, तब जा करके आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और आपका जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। तो अभी वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगी फ्रेंड्स आपके जिन बच्चों के रिजेक्ट हुए हैं फॉर्म उनके लिए यहाँ पर क्या क्या आया होगा आपके फ़ोन में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में आपके कुछ ऐसा एडिट ऑप्शन आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो फॉर्म है यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। दूसरा, आपके पास में SMS भी आया होगा, ठीक है, तो जिन बच्चों के पास में SMS आया है अपना रिजेक्ट हुआ जो यहाँ पर आपका फॉर्म है उसको यहाँ पर क्या करना है, आपको 20 जुलाई को दोबारा से फिल करना है एडिट करके, ठीक है। तो अभी एक बार देख लेते हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको जैसे ही आप ID पासवर्ड से अपना यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो आपका फॉर्म किस तरीके से शो करेगा, ताकि आप यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे कि आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है, ताकि उसको आप यहाँ पर दोबारा से एडिट करके उसे सबमिट कर पाएँ, क्योंकि ये लास्ट मौका आपके लिए है, क्योंकि उसके बाद काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे पास से स्क्रीन शॉट रखा हुआ था जिसको मैंने जूम किया है। गो टू एप्लीकेशन, इस तरीके का अगर आपका ऑप्शन शो होता है तो आपका फॉर्म एडिट के लिए आपसे कह रहा है कि आप इसको एडिट करें और दोबारा से इसको जो भी मिस्टेक आपकी निकल रही है उसको यहाँ पर फिल करके दोबारा से इसको क्या करना है, सबमिट करना है, ठीक है। अगर इस तरीके से आपका फॉर्म दिख रहा है तो आप ज़रूर इसको एडिट कीजिए, उसके बाद उसको सबमिट कीजिए, ठीक है। और जैसे ही आपका एडिट यहाँ पर सही हो जाता है तो आपका ये एडिट का ऑप्शन यानी कि गो टू एप्लीकेशन आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ओनली प्रिंट और लॉगिन ही रह जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर दोबारा चलते हैं। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर दोबारा आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो राउंड फर्स्ट के जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 23 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक आपके रहने वाले हैं। प्रेफरेंस आपकी रहेगी यहाँ पर 23 जुलाई से 27 जुलाई तक। उसके बाद डिसीजन मेकिंग आपका रहेगा, यानी कि जो सीट अलॉट आपको हुई है उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको सीट चाहिए या नहीं चाहिए, यानी कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं या फिर अपग्रेड करा रहे हैं, इस तरीके से आपके ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी सीट अलॉटमेंट आएगा तब आपको समझाएंगे, तो उसमें आपको भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो 30 से लेकर के 1 अगस्त तक आप यहाँ पर इसको डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर देखिए राउंड फर्स्ट जो कैंडिडेट हैं उनको रिपोर्टिंग करानी होगी अलॉटेड कॉलेज में, तो वो 31 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक करानी होगी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है वो सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल राइट टाइम होती है, बिकॉज़ देखिए ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर नहीं की जाती जिससे आप गुमराह हो या फिर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, ठीक है। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम जो बताया जाता है उस पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन देती हैं, तो आप जा कर के चैनल पे से खुद देख सकते हो विद प्रूफ के साथ में, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी थी पहले ही, कब तक आपका होगा, ठीक है, 10 से 15 दिन का समय मैंने आपसे कहा था होगा, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चल रही हैं, आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो। तो इतना ही समय लगता है, हर बार इतना ही समय लगता है, कोई मैं अपने मन से ये टाइम नहीं बताती, ठीक है। जैसे ही आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट पर शेड्यूल चलता है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इन्फॉर्म की जाती हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अदर स्टूडेंट्स को प्लीज़ मिसगाइड ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप वीडियो लीव करके जा सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत देखो, लेकिन अदर स्टूडेंट्स को आप यहाँ पर मिसगाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है, ताकि उनका भी कुछ
भला हो जाए तो उनको छोड़ दीजिए, आप अपना भला कीजिए, आपको जहाँ पर भला लगता है वहाँ पर आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्म करना चाहूँगी, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है फ्रेंड्स आपके साथ में शेयर करेंगे। 20 जुलाई को आप एडिट करा सकते हैं अपने फॉर्म को, ठीक है, यहाँ पर जा करके। तो अभी इसको लॉगिन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अभी तक साइट आपकी अपडेट नहीं हुई है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।